अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। समाज के सामने साफ छवि रखने का दायित्व तो जिन सरकारी अफसरों पर है, अब वो ही तेजी से दागदार हो रहे हैं। नोएडा के SSP वैभव कृष्ण का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि उन्नाव जिले में एक और हाई प्रोफाइल ड्रामे का मंचन हो गया। एंटी रोमियो प्रभारी महिला दरोगा के संग पति को रंगरेलिया मनाते देख पत्नी व उसके रिश्तेदार आपक हो बैठे और उन्होंने दोनों की जमकर धुनाई की। गाली गलौच व मारपीट का यह सिलसिला जब काफी देर चलता रहा तो पुलिस विभाग के ही अन्य दरोगा वहां आ गए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने साथी दरोगा एंटी रोमियो प्रभारी व महिला के पति को बचाया। इस महिला ने चीखते चिल्लाते एंटी रोमियो स्क्वाड प्रभारी अलका वर्मा पर आरोप लगाया कि उनके उसके पति से अवैध संबंध है। महिला ने आरोप लगाया कि उसने व उसके रिश्तेदारों ने दोनों को रंगरेलिया मनाते रंगे हाथ पकड़ा है। इसकी शिकायत पुलिस कप्तान तक भी पहुंच गई, जिस पर विभाग की छवि को धूमिल होते देख पुलिस कप्तान ने मामले पर जांच बैठा दी है। दिलचस्प बात यह है कि इस संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान एक व्यक्ति बराबर मोबाइल से वीडियो बना रहा है, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। आइए देखते हैं वह वीडियो। बता दें कि वैभव कृष्ण की एक वीडियो क्लिप सामने आई थी, जिसमें उन्हें अश्लील अवस्था में महिला से बात करते दिखाया गया था। SSP वैभव ने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए इसके वायरल पर न सिर्फ रोक लगा दी, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सोशल मीडिया के इस युग में जो जो इसे वायरल करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस कड़ी में मेरठ के एक पत्रकार को भी गिरफ्तार किया गया था, जिसे IG के हस्तक्षेप के बाद बीच रास्ते में छोड़ना पड़ा था। इस घटना से भी पुलिस की खासी किरकिरी हुई थी। अश्लील वीडियो की जांच हुई, जांच में उसे सही पाते हुए SSP वैभव कृष्ण को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।